आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बकरे के पाए बनाने की बहुत आसान सी रेसिपी, जिसमें आपसे ज़्यादा चूल्हे को काम करना होगा। तो चलें किचन में चलते हैं, क्योंकि इसको पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। पहले आप लोग इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मेरे पास एक बकरे के पाए हैं, यानी कि चार पाए। सबसे पहले मैं इसे आटे की मदद से साफ़ कर लूँगी, ताकि अगर बाल वगैरह रह गए हों तो साफ़ हो जाएं। अब इसे दूसरे बर्तन में डालकर पानी से धो लें और इस आटे को फेंक दें, या अगर आप पौधों के लिए कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल दें। अब मैंने एक बड़ी देगची ली है, इसमें पाए और 5 लीटर पानी डाल लें। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लें। अब पाए गलने के लिए रख दें। ये जितना पकेंगे उतना अच्छे तैयार होंगे। ये मुझे कल पकाने हैं तो मैं इन्हें आज गला रही हूँ। अब ये सारा दिन लो फ्लेम पर पकेंगे। मैंने दिन 3 बजे से रात 10 बजे तक पकाए हैं, यानी कि 7 घंटे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक देगची में 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करें। इसमें एक छोटी प्याज स्लाइस करके गोल्डन कर लें। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, आप लहसुन अदरक प्याज छील कर ब्लेंड कर लें। ये प्याज गोल्डन हो गई है, इसमें ये ब्लेंडेड मसाला ऐड कर दें। इसमें मिर्च नमक हल्दी धनिया ऐड कर लें। अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकाएं। 30 मिनट्स बाद इसकी भुनाई कर लें। अब इस मसाले में वो पानी जिसमें पाए गले थे और पाए ऐड कर दें। ये पानी अब 3 लीटर रह गया है। अब ये पाए मसाले में पकेंगे और जितना पकेंगे उतना अच्छा तैयार होंगे। अगर आपको ये पाए लंच पे 1 बजे तक सर्व करने हैं तो आप इन्हें सुबह 8 बजे तक चढ़ा दें। ये मसाले में पकेंगे और ग्रेवी थिक होगी। ये पाए का सालन तैयार है। अब इसमें कोरिएंडर लीव और गरम मसाला ऐड कर दें। ये वही गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ हलीम के लिए शेयर की थी। इसे लीमू अदरक हरी मिर्च ताज़ा हरे धनिए के साथ सर्व करें और गरम नान के साथ इंजॉय करें।